बेसिकली अब ये जो स्लाइड्स हैं आगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, और ऐसे ही अगर आप एक्सप्लेन करेंगे किसी को तो बहुत इजीली समझ में आ सकता है कि हाउ होम्योपैथिक क्योर्स टेक प्लेस। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो वाइटल फोर्स है वो नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस करा रही है। ये बात से आप वाकिफ हैं, ये बात को हम वाइटल फोर्स या फोर्जन्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे अंदर जो वाइटल फोर्स रहती है दैट डायनेमिकली एक्ट्स एंड इट गिव्स लाइफ टू द बॉडी, मटीरियल बॉडी, एंड इट परफॉर्म्स नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस। हमारी हेल्दी बॉडी जैसे चल रही है, सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कर रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द वाइटल फोर्स। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर अब क्या आती है, ये वाइटल फोर्स है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन हो रहा है। अब एक नॉक्शियस मॉर्बिफिक एजेंट आता है और इस हेल्दी वाइटल फोर्स पे, जो कि नॉर्मल सेंसेशन फंक्शंस करा रही है, इस पे एक्ट करता है, इस पे इंफ्लुएंस करता है, इस पे हावी होता है और डायनेमिकली आता है, डायनेमिकली इसको अफेक्ट करता है। और क्योंकि वाइटल फोर्स खुद में केपेबल नहीं है इस चीज को क्योर करने के लिए, आप ये चीज जानते हैं, इट इज अन इंटेलिजेंट, उसके अंदर ये पावर नहीं है कि इस नॉक्शियस मॉर्बिफिक एजेंट से खुद लड़के इसको रिपेल कर दे। कुछ टाइम तक वो सहेगी और फिर सकम कर जाएगी, इट विल सकम टू दैट मॉर्बिफिक एजेंट एंड डिजीज विल बी प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी। तो ये नॉक्शियस मॉर्बिफिक एजेंट आता है, हमारी वाइटल फोर्स पे हावी होता है और हमारी वाइटल फोर्स सकम कर जाती है इस चीज को और डिजीज हो जाता है। और जब डिजीज इस्टेब्लिश होता है तो नीचे आप देख लीजिए, जहां पर ये नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस थे, अब ये ऑल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शंस हो गए हैं यहाँ पर। और इन्हीं ऑल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शंस को कहते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स, जिसकी आप टोटैलिटी बनाते हो। इसी डिजीज के एस्टैब्लिश होने के बाद हमारी सेंसेशन फंक्शन, हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शंस में डिफरेंस आने लगता है, ऑल्टरेशंस आने लगते हैं और हमारी बॉडी सेंसेशन, साइंस, सिम्टम्स ये सब प्रोड्यूस करती है, आउटवर्डली रिफ्लेक्ट करती है कि देखिए आपको मैं दिखा रही हूं कि आई एम नॉट हेल्दी नाउ, आई हैव बिकम इल। अब जब वाइटल फोर्स में डिजीज एस्टैब्लिश हो गई है, ऑल्टर कर दिया है वाइटल फोर्स को, डायनेमिकली डिरेंज कर दिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास पेशेंट आता है, हम पेशेंट को देखते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स नोट करते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स नोट करके इसकी टोटैलिटी बनाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स, वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर होम्योपैथिक मेडिसिन एंड वी एडमिनिस्टर इट टू द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन उठाते हैं, मैच करते हैं साइन एंड सिम्टम्स को, सिमिलैरिटी को मैच करते हैं और पोटेंसी सिलेक्ट करके उसको उसके ससेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज फ्रॉम विच द पेशेंट इज सफरिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो हमने मेडिसिन होम्योपैथिक दी वो एक आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज बनाती है, जो कि सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन होता है, स्ट्रॉन्गर इन पावर होता है, देखिए उस डिजीज से स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एंड सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन एंड डिफरिंग इन काइंड। ये मेडिसिन से बना है, वो डिजीज नॉक्शियस एजेंट से बना है, एक ही तरीके से नहीं बना है, डिफरिंग इन काइंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, स्ट्रॉन्गर है ये, वीकर है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इट इज सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, थ्री पॉइंट्स नेसेसरी फॉर अ क्योर टू टेक प्लेस। अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर वन व्हाइल्स डिफरिंग इन काइंड बट सिमिलर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। अब जब ये चीज होती है तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिजीज हमारे वीकर डायनेमिक डिजीज को परमानेंटली एनिहिलेट कर देती है, परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर देती है, परमानेंटली जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। और ये नेचुरल डिजीज अपने आप, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल मॉर्बिड डिजीज है और ये हमने लॉ पढ़ा है 26 अफोरिज्म में कि ये लॉ है सिमिलिया का, इसके बेसिस पे ये डिजीज सकम कर जाती है और छोड़ के हमारी बॉडी को चली जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, परमानेंटली एनिहिलेट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप अब यहां पर आता है, डोसेज और होम्योपैथिक पोसोलॉजी का एग्जांपल यहां पर आता है। हमारी जो लॉ ऑफ मिनिमम है, हमारा जो ये शॉर्ट मेडिसिनल एक्शन होता है, इस वजह से ये जो आर्टिफिशियल मॉर्बिड डिजीज बनी है ना हमारे अंदर, ये जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज हमने प्रोड्यूस करी थी हमारी नेचुरल डिजीज को हटाने के लिए,
ये धीमे धीमे चली जाती है बॉडी को छोड़ के। क्यों चली जाती है? क्योंकि माइन्यूटनेस ऑफ डोज हम सेलेक्ट करते हैं, वी डो नॉट प्रिस्क्राइब इन क्रूड फॉर्म, वी प्रिफर माइन्यूट डोजेस, और उस माइन्यूट डोजेस का, उस डायनेमिक मेडिसिन का एक शॉर्ट और फिक्स्ड मेडिसिनल एक्शन होता है। जब तक वो एक्शन प्रिवेल करेगा तब तक वो आर्टिफिशियल मॉर्बिड डिजीज रहेगी, नेचुरल डिजीज को हटा देगी और फिर धीमे धीमे वो खुद भी हट जाएगी। और जब वो डोजेस, डोज की ड्यूरेशन खत्म होता है तो सिर्फ एक चीज रह जाती है, और वो एक चीज है वाइटल फोर्स, दैट इज नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म एंड द हेल्दी वाइटल फोर्स इज री एस्टैब्लिश्ड। फिर से हमारी हेल्दी वाइटल फोर्स आ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं aphorism number 29, that is how an homeopathic cure takes place, that is modus operandi of homeopathic cure.